नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। न मैदा, न सूजी, न बेसन, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और खाएंगे तो कहेंगे पहले क्यों नहीं पता था, तो ज़रूर बनाएं एक बार और वीडियो अंत तक देखें। तो ये देखिए, हमने एक कप चावल का आटा ले लिया है, इसे डाल देंगे। अब इसमें हम ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्ची, ये प्याज लिया है बारीक काट के, और ये धनिया, इन सबको मिला लेंगे। अब ये देखिए, इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दो आलू लिए हैं कच्चे, इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, ये आलू हमने कद्दूकस कर लिए, हम इनको डाल देंगे इसी में। ये देखिए, और मिला लेंगे इनको। अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे हम। देखिए, इसमें आधी चम्मच मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ये गरम मसाला आधी चम्मच। अब हम थोड़ा सा ये आम पाउडर डाल देंगे, आप चाहे नींबू डाल दें। इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करके, और इसमें एक कप पानी डाल देंगे। एक कप चावल है आटा, उसमें तो एक कप पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए, मिक्स कर लिया। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें एक चम्मच ऑयल डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। अब देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ये डाल देंगे। गैस को बिल्कुल कम रखेंगे। ये देखिए, चलाते हुए अच्छे से इसे हम पका लेंगे, इस तरह बन जाए। ये देखिए, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब ये पक चुका है। इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल लिया है, तो थोड़ा ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा हाथ में ये तेल लगाएंगे, अच्छे से मसलते हुए इसे चिकना कर लेंगे। इस तरह से मसलते जाएंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए, हमने ठंडा कर लिया है, ऐसे हम फैला लेंगे इस तरह। आप किसी भी तरह डिज़ाइन में बना सकते हैं, इस तरह फैला लेंगे पूरी प्लेट पे। ये देखिए, हमने गोल बना लिया है इसका। अब इसे इस तरह हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह। इस तरह काट लेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह हम इसके पीस इस तरह निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह पीस बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने पीस काट लिए हैं। तो चलिए, अभी ने सेक लेते हैं। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये अपने पीसेस डाल देंगे और सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरह डालते हुए सेक लेंगे। ये देखिए, एक तरफ सेक चुके हैं, इन्हें हम पलट देंगे। इस तरह दोनों तरफ से सेक लेंगे पलट के।
अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे कुरकुरे होने तक। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ सिक चुके हैं अच्छे कुरकुरे। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सारा नाश्ता हमने बना के तैयार कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।